And it's so clean here. There's no paper, there's no plastic going everywhere. I just can't harp enough on the cleanness. हमारी साइड पर ये है कि गंदगी जो है ना उसको ना के कम किया जाए बल्कि उसको और फैलाया जाता है। वजह क्या है? वजह ये कि एक तो हमारे जो लीडर्स हैं ना वो भी साइड पे आते नहीं है कि हमारा जो मुल्क है अगर सड़कें बना दी हैं तो उनको साफ रखना भी इन्हीं की जिम्मेदारी है और पब्लिक की भी जिम्मेदारी है। लेकिन वाकई इंदौर नेक्स्ट लेवल पे चीज ले। And see, everybody just comes here, hangs out in these like sitting areas. Oh, it's such a nice area. I mean, you know, you go to Singapore and like hawker houses get like a big name worldwide, but this is just as nice. It's kind of like the same theme. You got all the stalls. बिल्कुल और मैं यहाँ पर जो उस मतलब सिटी की मैं बोलूँगी जो गवर्नमेंट है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी उनको दाद देना चाहूंगी कि जिस तरीके से उन्होंने इतना एक्टिवली चीजों को लिया और काम किया लोगों के लिए लोगों को भी रिस्पॉन्सिबल बनाया ये बहुत एक बड़ी बात होती है छोटा काम ही है कराची में अगर बारिश हो जाती है तो कूड़ा करके घरों में चला जाता है इतनी ज़्यादा गंदगी है पब्लिक भी तो जिम्मेदार है ना इसकी बिल्कुल ऐसा ही है पब्लिक भी जिम्मेदार है लेकिन ये जो कूड़ा वगैरह घरों में चला जाता है ये जब हमारे जो वासा वाले हैं वो आके सफाई नहीं करके जाते हमारी सड़कों पे कहीं पर भी देख लें जगह जगह पर गंदगी होती है And there's a reason you see people from early morning crack of dawn like cleaning the streets here. जय हिंद दोस्तों भारतीय शहरों की साफ सफाई और सुंदरता को देखकर अब केवल पाकिस्तानी ही नहीं बल्कि अमेरिकन लोग भी चकाचौंध हो रहे हैं और उनको अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा कि आखिरकार कोई भारतीय शहर इतना ज्यादा साफ कैसे हो सकता है पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम है पाकिस्तान की प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान जो है ना वो सफाई की तरफ ध्यान नहीं देता पाकिस्तानी जो है ना वो अपने पाकिस्तान जो है ना हमारा बहुत खूबसूरत है अगर हम देखना चाहें तो लेकिन हमारी साइड पर यह है कि गंदगी जो है ना उसको ना के कम किया जाए बल्कि उसको और फैलाया जाता है वजह क्या है वजह यह कि एक तो हमारे जो लीडर्स हैं ना वो भी साइड पर आते नहीं है कि हमारा जो मुल्क है अगर सड़कें बना दी हैं तो उनको साफ रखना भी इन्हीं की जिम्मेदारी है और पब्लिक की भी जिम्मेदारी है लेकिन ज़्यादातर जो सफाई है ना वो हमारी हुकूमत की है उन्होंने जो अपने इकदाम है अगर वो स्ट्रिक्ट करेंगे तो हमारी जो आवाम है सही होगी अगर वो स्ट्रिक्टली जो है नहीं लेंगे ना तो हमारी जो आवाम है वो बिल्कुल भी सही होने वाली नहीं है अब देखें ना कि कराची में अगर बारिश हो जाती है तो कूड़ा करके घरों में चला जाता है इतनी ज़्यादा गंदगी है पब्लिक भी तो जिम्मेदार है ना इसकी बिल्कुल ऐसा ही है पब्लिक भी जिम्मेदार है लेकिन ये जो कूड़ा वगैरह घरों में चला जाता है ये जब हमारे जो वासा वाले हैं वो आके सफाई नहीं करके जाते हमारी सड़कों पे कहीं पर भी देख लें जगह जगह पर गंदगी होती है हम लोग किसी टाइम भी आ जाए ना हमारी सड़क साफ नहीं होगी वो अगर किसी ने बाहर कोई गुजरा होगा ना MPA या MNA या PM कोई गुजरने लगेगा तो सड़कों पर फौरी बैन कर दिया जाता है वहाँ से सारी सफाइयाँ हो जाती हैं बाकी जो रोड है वो गंदे के गंदे ही हैं तो ये चीज़ें जब पाकिस्तान में ख़त्म हो जाएंगी ना तब पाकिस्तान तरक्की की राह पर ज़रूर होगा अब दरअसल हाल ही में इंटरनेट पर एक अमेरिकन यूट्यूबर की वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है और इस वीडियो में हमें यह देखने को मिल रहा है कि वह अमेरिकन लड़का भारत के सबसे ज्यादा स्वच्छ और सुंदर शहर इंदौर में खड़ा होकर इंदौर के स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेते हुए इंदौर की साफ सफाई का वर्णन कर रहा है वीडियो में उस लड़के ने अपने व्यूअर्स को बताया कि आप देख सकते हो कि इंदौर शहर में चारों तरफ कितनी ज्यादा साफ सफाई देखने को मिल रही है और न ही आसपास कोई पॉलीथिन और प्लास्टिक वगैरह फैली है उस अमेरिकन लड़के का यहाँ पर कहना था कि भारतीय शहर को इतना ज्यादा साफ स्वच्छ और सुंदर देखना ये हमारे लिए वास्तव में एक बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है और इसका कारण यही है कि अमेरिका जैसे देशों में आज भी भारत को गलत नजरों से देखा जाता है और जो अमेरिकन आज तक कभी भी भारत नहीं आए हैं उनके मन में बिल्कुल ऐसे ही विचार हैं कि भारत में स्मार्ट सिटी या फिर अच्छी सड़कें या फिर जो साफ सफाई जैसी चीजें हैं वो तो आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेंगी अब क्योंकि अमेरिकन लोग भारत को लेकर इस प्रकार की धारणा बनाकर बैठे हुए हैं तो यही वो कारण है कि जब भी अमेरिकन लोग भारत आते हैं तो वह भारत के विकास को देखकर या फिर भारतीय शहरों की साफ सफाई को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं बिल्कुल और मैं यहाँ पर जो उस मतलब सिटी की मैं बोलूंगी जो गवर्नमेंट है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी उनको दाद देना चाहूंगी कि जिस तरीके से उन्होंने इतना एक्टिवली चीजों को लिया और काम किया लोगों के लिए लोगों को भी रिस्पॉन्सिबल बनाया ये बहुत एक बड़ी बात होती है
एक छोटा काम नहीं है कि हमारे लोगों को साफ सुथरी चीजों की तरफ लेकर आना। हाँ, सही बात है, नो डाउट क्योंकि यहाँ पर तो यूजुअली यही होता है ना, यही एक ट्रेंड है, खाली और फेंक दिया बाहर, कोई इतना सफाई का ख्याल नहीं रखा। तो जब तक लोगों को ये चीजें एजुकेट नहीं की जाएंगी, लोगों को मुझे नहीं लगता कि अपने आप ये चीजें समझ में आएगी। वैसे मैं अगर बात करूँ ना, तो अगर साउथ की, जैसे इसमें जिक्र किया गया है, व्हाई नॉट साउथ इंडियन सिटीज, अगर हम बात करें, हमने इंडिया के जितने भी अभी तक शहर देखे हैं, हमें सब जो है वो साफ सुथरे लगे हैं, कोई भी जो है इस तरह का नहीं लगा कि हमें कचरा नजर आया हो या गंदा हो, बहुत साफ सुथरे लगे हैं। लेकिन नो डाउट बहुत सारी और भी ऐसे एलिमेंट्स और चीजें होती हैं जिन्हें जो इसमें काउंट किया जाता है, फिर जाके एक सिटी की रैंकिंग होती है। और अगर हम यहाँ पे भी बात करें ना, तो वैसे तो लाहौर साफ सुथरा है, कुछ इलाके, सारे नहीं, कुछ इलाके साफ सुथरा है, लेकिन अगर हम सफाई सुथराई के लिहाज से बात करें तो जो छोटे शहर है ना पाकिस्तान के, वो लाहौर से ज्यादा साफ सुथरे हैं। अब जैसे ये चीज रिसेंटली मुझे मतलब मेरे पे, मतलब क्या कहेंगे, मैंने ये चीज डिस्कवर की है कि छोटे शहर जो हैं वो अब आकर ज्यादा साफ सुथरे हो रहे हैं। हालांकि लाहौर एक टाइम पे बहुत साफ सुथरा था, बट अभी आकर काफी ज्यादा लाहौर में गंद दिखना शुरू है। और कराची का तो हम बता नहीं सकते कि उसका हालात पूरी दुनिया को बताए। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं मौजूद बोलना चाहूंगी कि लोगों की खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई काम नहीं कर रहा, एटलीस्ट आप तो सफर, मैं ये बात सोच रही हूँ कि अगर आप लोग अपने अपने मतलब घर के बाहर झाड़ू लगा दो, अपने अपने घर के बाहर से दरवाजे के, तो भी तो देखो ना कितनी सफाई रहती है, कितनी सफाई, लेकिन लोग करते नहीं है। अगर हम बात करें गुजरांवाला की बात करें, तो मैं जब पहले आज से 2 साल पहले जब मैं गुजरांवाला गया था, तो रेलवे, जैसे ही रेलगाड़ी गुजरांवाला के अंदर एंट्री होती थी ना, रेलवे लाइन के दोनों साइडों पे कचरे और शापर उड़ने लग पड़ते थे, हाँ लिफाफे उड़ने लग पड़ते थे। लेकिन अगर अब बात करें ना, तो अप्रोक्सीमेटली 90% जो एरिया है उन्होंने रेलवे लाइन के साथ वाला वो साफ कर दिया हुआ है। उसके अलावा अगर शहर के अंदर बात करें, वो भी बहुत ज्यादा साफ लगा है, रोड भी अच्छे लगे गुजरांवाला के। लाहौर में तो मुझे लगता है काफी ज्यादा प्रॉब्लम आना शुरू हुई है। इवन मुझे यहाँ पर, हम लोग इंदौर की बातें करते थे ना, अपने यहाँ की मुस्लिम भाई लेके बैठ गए, मतलब मैं सोच रही थी, देखो जैसे हम लोगों को पानी का बिल आता है, उसके अंदर भी जो सा है वो वासा का, हाँ, वो ड्रेनेज सिस्टम की हम लोगों को वो साथ में ऐड करके हर महीने भेज दी जाती है, फी वगैरह चार्जेस लग जाते हैं। लेकिन अगर कोई गटर वगैरह बाहर खराब होते तो वो भी हम लोगों ने खुद ही सही करवा देते। तो मैं ये बात सोचती हूँ कि यहाँ पर देखो, ये एक लाइव एग्जाम्पल है कि अगर गवर्नमेंट काम करना चाहे तो वाकई में काम हो सकता है, अगर वो डिपार्टमेंट जो उस एक स्पेसिफिक काम के लिए बनाया गया है वो अगर अपने चीजों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करे, रिसोर्सेज को, लोगों को अच्छे तरीके से मैनेज करे, तो सब चीजें हो सकती है। जैसे कि बीच में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बताई, मुझे बड़ा अच्छा भी लगा कि जो लोग कूड़ा उठाते हैं उन्होंने उनको जॉब दे दी। मतलब आप ये देखें कि आपने किस तरीके से लोगों को मतलब अपने यूटिलाइज किया ना, क्योंकि ये जो लोग थे ये इस तरह होते थे कि आपने शापर में लिफाफे में जो है वो कूड़ा पैक करके बाहर रखा है, शापर नहीं समझ रहे शोपर या प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग, आपने प्लास्टिक बैग में जो है कूड़ा बंद करके घर के बाहर